Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, in the previous video, I explained the exercise solve the following. आपने देखा होगा मैंने आपको solve the following explain किया है. और what I have explained, I have explained the number names also. मैं आपको number names भी explain किए थे. Right students? So now we will continue our exercise. Some more sums are related to solve the following. Okay? Solve the following के हम बाकी के जो sums है वो पहले This is in the chapter 3, trip to Bhopal. So let's continue exercise. So what is written here? Solve the following. Means here the sums are addition and subtraction. So read the first sum. So 179 more than 4,788. I hope you understand how to read the number. आपको पता चल गया आप number को कैसे पढ़ना है? ठीक है? This is three digit number. So it starts from 100. 179 और दिस इज फोर डिजिट नंबर सो स्टार्ट फ्रॉम 1000 से रीड करना है सो 4798 ओके तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे सो दिस आर द क्वेश्चन सो फर्स्ट यू विल अरेंज इन कॉलम्स एंड देन यू हैव टू सॉल्व ओके पहले उसको कॉलम में अरेंज करना है देन स्टार्ट द सम हियर आई एम सॉल्विंग फॉर सम सम राइटिंग ए सो व्हाट इज गिवन 179 मोर देन 4798 what it means इसका मतलब क्या है आपको क्या करना है 4798 में मोर करना है ज्यादा है ज्यादा मींस क्या करना है एडिशन करना है ठीक है जब आपको प्लस करके 179 ऐड करना है समझ में आया सो लेट्स सी हियर सो दिस आर फोर डिजिट नंबर फर्स्ट विल राइट डाउन प्लीज मंथ्स 10 100 एंड 1000 ओके समझ में आया हाउ टू राइट द प्लेस मेक सम स्पेस बिटवीन इट एंड देन यू राइट ओके सो नंबर इज 4000 4 इज 1000 में 798 ओके देन मोर देन है देन ज्यादा है तो मोर देन जब भी आपको आए तब आपको क्या करना है प्लस करना है समझ में आया व्हाई यू डू द एडिशन ये नंबर में इतने ज्यादा है तो इसको क्या करेंगे हम प्लस करेंगे स्टार्ट हम यहाँ 179 ओके स्टूडेंट्स जब भी 1 मेरे आपको यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो आपको क्या बताना है 0 वो ध्यान रखना है 32 से भी यहाँ से आप ठीक हो गए तो आपका नंबर चेंज हो जाएगा वो ध्यान में रखना है ठीक है स्टूडेंट्स नाउ लेट्स ऐड तो हम पहले 1 की प्लेस से स्टार्ट करेंगे सो व्हिच नंबर इज ऑफ 1 प्लेस 1 की प्लेस से कौन सा नंबर है 8 एंड 9 सो 8 प्लस 9 करेंगे प्लस साइन कितना होगा आपको काउंटिंग करना था ना फिंगर पे ओके तो कितना होगा 17 तो 17 जो होगा तो वी 7 राइट हियर एंड 1 राइट हियर कैरी होगा ओके सो 1 वाला नंबर हम यहां नीचे लिखेंगे और 10 वाला नंबर को कैरी ओवर करेंगे समझ में आ रहा है नाउ एट द 10 स्पेस नंबर 10 स्पेस तो 1 प्लस 9 प्लस 7 करना है कैरी ओवर को भी ऐड करना है दैट वी ऑलरेडी नो सो 9 प्लस 1 10 What is your answer? 4,000 or 4,977. Easy enough, students? Okay? So let's solve the second sum. So what is written here? You can see this. This is the 5-digit number. How many digit number? 5. So the 5-digit number is the number that you have to write. This is the start of the number. So this is the 1,000, 1s, 10s, 100, 1,000 and 10,000. दोनों का साथ में पढ़ेंगे 20,300 जैसे 1 और 10 को भी साथ में पढ़ेंगे तो 90 तो आपको याद रखना है 1 और 10 को भी साथ में पढ़ना है और 1000 10,000 को भी साथ में पढ़ना है सो वो कैसे पढ़ेंगे 20,390 माइनस 791 यानी 791 को माइनस करना है 20,390 ठीक है सो फर्स्ट वी अरेंज इट पहले आप अरेंज करेंगे टेंस हंड्रेड थाउजेंड ये फॉर थाउजेंड टेन थाउजेंड के लिए
वन्स टेन्स हंड्रेड थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड. Why I have written 10,000 here also? Because this is a five-digit number, right? Let's write the number. So 20,390. The bear number copy karo, yahan se karna. And you can see here how much space I made in between. Aap dekh sakte ho kitni space banane maine niche likha. Agar aap paas paas likhoge, to your answer will be wrong. Okay? Uske chances zyada ho jayenge wrong hone ke liye. Isliye aap thoda space banake आपको देख लेना है कि मैंने सही नंबर को कॉपी किया है या नहीं. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे कुछ नहीं है, हम यहाँ पे क्या बना देंगे, सी. लेट्स डू द सबट्रैक्शन. तो सबट्रैक्शन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन से. जीरो माइनस वन, जीरो में से वन सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नो, बिकॉज सबट्रैक्शन में नीड द फर्स्ट नंबर बिगर एंड सेकेंड नंबर स्मॉलर. बट इफ द फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर सबट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल. अगर फर्स्ट नंबर छोटा है तो सबट्रैक्शन नहीं होगा. सो डेट टाइम यू हैव टू बोरो. तो बोरो करना पड़ेगा, तीनों में से बन नहीं जाएगा तो हम बोरो करेंगे. सो नाइन में से वन लैस बनेंगे. ठीक है, ये बन जाएगा ए. जब भी बोरो करना होता है, जिस नंबर से हम बोरो करते हैं वहाँ से माइनस वन करना है. सो नाइन में से वन माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए. और जो वन माइनस किया है उसे इसके आगे लगा देंगे तो ये बन जाएगा टेन. ओके, सो टेन माइनस वन इज नाइन. अब टेन में से वन माइनस माइनस हो सकता है? नो, बिकॉज एट इज स्मॉलर देन नाइन. तो एट में से माइनस नाइन नहीं होगा. अगर हम यू विल डू द बॉरो, यहाँ से बॉरो करेंगे, थ्री के पास से लेंगे, थ्री के पास से माइनस वन करेंगे, ये क्या बन जाएगा, टू. ओके, और ये जो नंबर है यहाँ से वन दिया है, हम यहाँ पे वन लगा देंगे, ये बन जाएगा एटी. अंडरस्टूड? अगर आपने नाइन को कल कर दिया है तो उसे कंसिडर नहीं करना है. So this becomes 80. 80 minus 9 is 9. Up now. 2 minus 7. 2 minus 7 possible? No. Again do the borrowing. Borrowing and then we have to 0. So how I can do it? So I'm just the next place to borrow for it. And you have to borrow for it. So you can say minus 1 and then you have to 1. Okay? Or you need to 1 and then you have to add it. But see, here we have to remember that. ईजी है ना, तो सब्ट्रैक्शन की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नो नीड टू डू द एनी मिस्टेक्स डूइंग द बोरोइंग. ओके, सो नाउ 12 में से 7 जाएगा, कितना रहेगा 12 में से 7 जैसे माइनस करोगे. सो हम 8 से करेंगे, 8 9 10 11 12 कितना रहे, 5. ओके, तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे 5. नाउ 9 माइनस 0 9 एंड 1 माइनस 0 5. देन द आंसर. If the 5-digit number, you have to put the comma after this 2-digit. So read correctly. When you put the comma, it's very easy for the reading. So easy for the reading. 19,599 is the answer. Okay? Now let's see the third one. See this. 63 plus 450 minus 170. So we have to take it. We have to. थ्री नंबर्स में प्लस भी है माइनस भी है. सो हाउ कैन यू डू इट, आप कैसे करोगे. ओके, सो लेट्स सी हियर. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू द सी सम, यहाँ पे लिखेंगे सी. अब देख सकते हो यहाँ पे 63 प्लस 450 माइनस 170. ओके, तो यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है. तो पहले क्या करना है, देखो पहले हम ये दो नंबर के बीच में प्लस का साइन है, पहले हम इसको एडिशन करेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वन्स टेन्स एंड हंड्रेड. सो हम 63 प्लस 450 करेंगे, 63 प्लस 450. एंड दिस यू कैन राइट 450 प्लस 63 भी कर सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, सो आई पुट द जीरो. नाउ लेट्स सॉल्व इट. 3 प्लस 0 3, 6 plus 5 is 11, 1 is here and 1 is carried across. 1 plus 4 is 5.
सो आंसर इज 530, राइट। इन दोनों का एडिशन हो गया, अब उसमें से क्या करना है, माइनस 170, यानी ये जो भी आंसर आया उसमें से 170 को माइनस करना है। समझ में आया, क्लियर? ओके, सो अगेन वी राइट दिस, वंस टेंस एंड हंड्रेड, दैट मींस व्हाट इज योर आंसर, 530, सो 530 माइनस, क्या माइनस करना है, 170, सो 170, क्लियर दिस? समझ में आया? ओके, सो नाउ सी, स्टार्ट, माइनस करना है, ध्यान में रखना है, गलती से एडिशन नहीं हो जाए, 3 माइनस 0, 3, 1 माइनस 7 इज पॉसिबल, नो, सो बोरो करेंगे तो यहाँ से इतना मतलब मतलब 4 हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स 11, 11 माइनस 7 कितना होगा, 4, ओके, 4 माइनस 1 इज 3, सो अवर आंसर इज 343। सो जब भी आपको प्लस और माइनस पूरे सम के साथ में सॉल्व करना है तब आपको 2 सम करने पड़ेंगे, 1 एंड 2 सम, यानी ये सॉल्व करने पर पूरा आंसर आएगा आपका 343। अगर आपने इतना करके छोड़ दिया और यू हैव नॉट सब्ट्रैक्ट दिस नंबर, सो यू हैव मेड ओनली जस्ट हाफ सम, ओके। तो ध्यान रखना है, पहला अगर प्लस है तो उस नंबर को प्लस कर लो, और जो थर्ड नंबर है उसका जो आंसर आए उसमें से थर्ड नंबर को माइनस करो। ईजी है ना, वेरी इजी, ओके, बट टेक केयर अबाउट द कैरी ओवर इंपॉर्टेंट। लेट्स सी द फोर्थ सम, अब फोर्थ सम में हमारे पास क्या है, 735 माइनस 203 प्लस 103, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले माइनस है देन प्लस है, पहले हम इन दोनों का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें प्लस 103 करेंगे, यानी 103 को ऐड करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो पहला जो ऑपरेशन है माइनस वाला वो हम कंप्लीट करेंगे, उसके आंसर में ये नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है। नाउ अगेन आई एम राइटिंग बी हियर, वंस टेंस 100, सो व्हाट इज नंबर हियर, 735 माइनस 203, 203, डन दिस, ओके, लेट्स डू द सब्ट्रैक्शन, सो 5 माइनस 3 इज 2, 5 माइनस 3 जाएगा 2, 3 माइनस 0 इज 3, एंड 7 माइनस 2 इज 5, हियर नो वॉरी बिकॉज ऑल द फर्स्ट नंबर्स आर बिगर दैन सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि हर बार वॉरी हो, आपको देखना है अगर नंबर फर्स्ट नंबर छोटा है तो ही फर्स्ट नंबर अगर छोटा है तो ही बोरो करना है, अदरवाइज नहीं, ठीक है, फर्स्ट नंबर छोटा है तो ही बोरो करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो यहाँ पे 5 माइनस 3 इज 2, 3 माइनस 0 इज 3, एंड 7 माइनस 2 इज 5, तो हमें आंसर मिल गया। अब उसमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, ठीक है, सो राइट यहाँ पे लिखेंगे 1, 10 एंड 100, 532, उसमें किसको प्लस करना है, 103 प्लस 103, सो नाउ व्हाट इज द आंसर, 2 प्लस 3 इज 5, 3 प्लस 0 इज 3, 5 प्लस 1 इज 6, इजी है ना, सो हो गया हमारे यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने का आंसर मिलेगा 635, अंडरस्टूड। Why we are using here two operations? Just I am giving an example. Suppose you are having 735, okay? And you have bought some books and all that. So you have spent money in 103, okay? So 735 के पास थे और आपने कुछ books खरीदी और बाजार से कुछ लिया तो 203 कम हो गए। तो हमने क्या किया, उसके अगर पैसे हमारे पास इतने होते हैं उससे कम हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन कर दिया तो कितने रुपीज़ बचे, 532 रुपीज़ बचे हमारे पास, ठीक है। अब हमारे मम्मी ने और ज़्यादा पैसे दिए कि देखा आपको ये लाना है, तो अब मम्मी ने दिया 103 रुपीज़, तो अब हमारे पास कितने पैसे रहे, हम क्या करेंगे, हमारे पास 532 रुपीज़ थे और मदर हैज गिवन 103 रुपीज़, ओके, तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो पता चलेगा हाउ मच मनी आया, हमारे पास कितने पैसे हैं तो पता चलेगा, तो हाउ मच मनी या 635। Understood? Why we have to do the operation minus and plus? Clear this? Okay. Let's see one more here. E. E
6,152 plus 100 minus 2,481. So students, अब आप बताओ ये पहले क्या करोगे मैं विच सम आई विल सॉल्व फर्स्ट. हमारे पास फर्स्ट टू नंबर है उसको सॉल्व करना है. यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस, मीन ये दो नंबर का हम प्लस करेंगे. ठीक है, देन वी सॉल्व दिस. इसका जो आंसर आएगा उसमें से 2,481 को माइनस करेंगे. क्लियर दिस, समझ में आ रहा है? सो लेट्स सॉल्व इट. सो दिस इज द ई, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1, 10, 100 and 1,000. ओके, सो व्हाट इज नंबर 6,182 प्लस 100. ओके, प्लस कर लिया आपने. प्लस और स्टार्ट फ्रॉम वन प्लेस, वो भी सही याद रखना है. जल्दी एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो. वन प्लेस से ही स्टार्ट करना है. आई मीन 2 plus 0
वन टेन नंबर है, तो अगर यहाँ पे एक की जगह पे आप टेन नंबर बढ़ा दोगे तो ये बन जाएगा बाकी टू नाइन सिक्स सारे सेम है। अब टेन नंबर ज्यादा करेंगे यानी एटी एट में टेन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा नाइनटीन हो जाएगा। समझ में आया ना, एटी सिक्स में हम टेन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा नाइनटी सिक्स। तो ये मेंटली हम कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, इसके लिए हमें ये समझ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? सपोज आई गिव वन मोर एग्जांपल, 4312 प्लस 10 करना है, तब क्या करोगे? यहाँ पे जो प्लस 10 करोगे तो यहाँ पे हम जो प्लस 10 करेंगे तो ये बन जाएगा 4322 यानी 12 में 10 ऐड करने पर आंसर क्या आ जाएगी 22। समझ में आया? जब भी 10 ऐड करना हो यू हैव टू जस्ट ऐड दिस नंबर इन 10 टू गेट द होल आंसर, नो नीड टू अरेंज इट एनीवेयर। ओके, आप माइनस से कैलकुलेट करके कर सकते हो। Let's see the next one. 1 less than 1000. So 1000 में से हमें 1 को less करना है, less than 1000 से 1 को कम करना है, less than means subtract करना है। ठीक है, तो क्या करना है? जब भी less than आए आपको minus करना है, यानी 1000 में से 1 को minus करना है। तो अगर 1000 से 1 को minus करके भी आप सफाई कर सकते हैं, तो without doing the sum how can you do it? So what is the प्रीवियस नंबर 1000? अभी आपने थर्ड में पढ़ा है 1000 तक के नंबर, 1000 क्या प्रीवियस यानी बिफोर नंबर कौन सा है? 1 माइनस करने पर बिफोर नंबर मिलता है, जैसे 50 में से 1 माइनस करेंगे तो 49 मिलेगा, 49 में से 1 माइनस करेंगे तो 48 मिलेगा। द सेम वे 1000 का प्रीवियस नंबर यानी बिफोर नंबर कौन सा है? सो 999। ओके, सो हियर आंसर विल कम 999। बट सपोज यू डोंट गेट इट, हाउ आई कैन गेट 999? सो यू कैन गूगल द सम, आप सम से भी सॉल्व कर सकते हो। 1000 माइनस 1, माइनस ऐसे करना है, 0 माइनस 1 पॉसिबल नहीं है, बोरो करना है तो 0 है, यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ पे से बनने से बन जाएगा 0, दिस बिकम्स 10, बच्चे वाले को देना है तो 8 9 हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 10, अगेन क्या हो कि दिस नंबर 10 माइनस 1 इज 9, यहाँ पे सारे 0। ठीक है, सो 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 0 माइनस 0 0, अगेन आई एम 99। समझ में आया? तो ये आप ओरली कैलकुलेट करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इंस्टेड ऑफ डूइंग द सम। ओके, नाउ नेक्स्ट 1000 less than 2150 यानी 2150 में से 1000 को क्या करना है? अगर लेस देन हो तो क्या करना है? अभी आपको समझाया लेस देन हो क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है, यानी 2150 से 1000 कम है तो ये माइनस करना है। तो अभी यहाँ पे जो नंबर है वो 1000 है, तो कौन सी केस चेंज होगी? ये वाली केस, तो ये बन जाएगा 2 में से 1 चला जाएगा तो 1150। ओके, जैसे कि यहाँ पे 10 मोर था तो हमने यहाँ पे 10 ऐड कर दिया, यहाँ 1000 लेस करना है तो डायरेक्टली हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1150। नाउ आई वांट टू शो दिस सम, हाउ कैन यू डू इट? 2150 माइनस 1000, तो 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 इज 1, आई गेट द 1150। बट स्टिल यू ट्राई विद द ओरल। ओके, सम की जरूरत बिना ही आप उसको सॉल्व करने की ट्राई करनी है। नेक्स्ट 1 more than 7999। ओके, एक से ज्यादा ऐड करना है 7999, तो जब भी मैंने आपको बताया जब भी 99 आता है तो सीरीज चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे तो 4 डिजिट है और 4 डिजिट में यहाँ पे 999 है, तो व्हाट कम नेक्स्ट? एक ही नंबर ऐड करना है, सपोज आपके पास 99 है उसको प्लस 1 करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? 99 में प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 100। ओके, 999 में प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 1000। ओके, सो नेक्स्ट नंबर में आफ्टर नंबर लिखना है, 7999 के बाद क्या आएगा? 8000। ओके, 999 आने पर सीरीज चेंज करती है, 7 की जगह हो जाएगा 8000। ओके, तो हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, 7999 प्लस 1, तो प्लस 1 में क्या होगा? क्लियर हो गया? यहाँ पे मोर देन है इसलिए प्लस करना है, लेस देन हो तो माइनस करना है, मोर देन हो तो प्लस, लेस देन हो तो माइनस, तो प्लस 1 करेंगे 9 प्लस 1 10 0,
100 more than 4335. Four more than means क्या करेंगे? Plus करेंगे. More than यानी plus करेंगे. 4335 में 100 को plus करना है. So आप और ये कर सकते हो. कैसे देखो? 100 की बात करें. 100 की कैसे कौन सा नंबर है? 3 है. 100 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. 300 हो जाएगा. So 4435. Other digits will not be changed. बाकी सारे digits change नहीं होंगे. हम यहाँ पर आपको solve करके दिखाओ.